स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। आज हम आपको आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न एवं उसके उत्तर बताएंगे। ये प्रश्न आप रट लें, ये किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न और उनके उत्तर। देखें, पहला प्रश्न है, कहाँ पर एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की घोषणा 6 अक्टूबर 2018 को की गई थी? उत्तर है पटना में। नेक्स्ट है, वो चक्रवर्ती तूफान जिसे 9 अक्टूबर 2018 को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भीषण तबाही मचाई, उसका नाम क्या था? तितली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वो हवाई अड्डा जिसका नाम परिवर्तित कर 24 नवंबर 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कर दिया गया, यह है जॉली ग्रांट देहरादून। ये देहरादून का हवाई अड्डा था जिसका नाम जॉली ग्रांट देहरादून था, इसे परिवर्तित करके अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कर दिया गया। नेक्स्ट है, 30 सितंबर 2018 को किस मंडल को उत्तर प्रदेश का पहला शौच से मुक्त मंडल घोषित किया गया, यह है सहारनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 दिसंबर 2018 को अर्जेंटीना में G20 शिखर सम्मेलन में भारत को किस वर्ष के लिए G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई, वर्ष 2022 के लिए? लखनऊ में नवनिर्मित इकाना स्टेडियम का नाम नवंबर 2018 में परिवर्तित कर भारत के किस प्रधानमंत्री के नाम पर किया गया? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के महानिदेशक कौन है इस समय? इसका उत्तर है अरुण कुमार। नेक्स्ट है, 18 सितंबर 2018 को बॉलीवुड से जुड़ी किन दो हस्तियों को स्किल इंडिया का ब्रांड मैनेजर बनाया गया है? नेक्स्ट है उत्तर इसका, अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को स्किल इंडिया ब्रांड का मैनेजर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा 28 जुलाई 2018 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर शुरू किया गया राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत देश को कब तक इस बीमारी से पूर्णतया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 11 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? इसका उत्तर है गीता मित्तल। नेक्स्ट है, पानी बचाओ पैसा कमाओ नामक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? यह है पंजाब द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2018 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? उसका उत्तर है योग फॉर पीस। नेक्स्ट है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? इसका उत्तर है नाओमी ओसाका। वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भरत वाटवानी को। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का अंतिम एयरपोर्ट स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसे देखें 133वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित अब तक का सबसे भारी उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 5 दिसंबर 2018 को फ्रेंच गुयाना के एक और कौरु प्रक्षेपण केंद्र से एरियन 5 रॉकेट द्वारा किया गया था, उसका नाम था जीसेट 11। प्रश्न है, 28 नवंबर को किसे संघ लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? उत्तर है अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वो प्रदेश जहां 7 अगस्त 2018 को विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया गया? आंध्र प्रदेश में, इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 जून 2018 को अगरतला में किस फल को इस राज्य का राजकीय फल घोषित किया? उत्तर है पाइन एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था? इसकी जो थीम थी वो था प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो।
कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2017 में, दिसंबर 2018 में, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोटविस में, ये पोलैंड में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 128 मीटर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा हाल में ही की गई? देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट है, वो राज्य जिसने 21 मार्च 2018 को कटहल का अपना आधिकारिक फल घोषित किया, वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दर्द निवारक दवा जिसे भारत सरकार ने 29 अप्रैल 2018 को मादक पदार्थ घोषित कर दिया, ट्रामडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वो राज्य ने अपना प्रथम झंडा तैयार कर केंद्र सरकार से स्वीकृत हेतु मार्च 18 में भेजा है, कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2018 से किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की पूर्णता महिलाओं द्वारा संचालित है, यानी देश का पहला कौन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है? तो यह है फगवाड़ा, ये पंजाब में है। नेक्स्ट, अंग्रेजी उपन्यास के लिए आयरलैंड की लेखिका को वर्ष 2018 के मैन बुकर अवार्ड में सम्मानित किया गया, कौन सा है? मिल्कमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2018 के बीच वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा, ये स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2018 को मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? इसका उत्तर है टूरिज्म एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों के लिए सौर पुरस्कार की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? हरियाणा। प्रश्न है, 2018 के किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुए? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन हैं? इसका उत्तर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका उत्तर है विनोद कुमार यादव। IIT मद्रास द्वारा हाल में ही निर्मित भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर कौन सा है? शक्ति नाम से है। इस वीडियो को आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम GK के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड करने जा रहे हैं, उनको आप लोग जरूर देखें। और इस चैनल को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।